शहर में चल रहे मेट्रो कार्य में ठेकेदार के रूप में मजदूरी का काम करने वाले तीन लोगों ने मिलकर नाइट ड्यूटी लगाने पर एक युवक की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार MIDC परिसर के प्लॉट नंबर 253 लोकमान्य नगर परिसर में मेट्रो का ठेका पद्धति पर काम करने वाले मजदूर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठेकेदार के एक कर्मचारी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील स्थित खरमा खास निवासी समारू अवतु हरिचंद ने आरोपी दिनेश कुमार मुन्ना लाला, बजरंगी लालचंद प्रसाद गौतम और सुशील कुमार दीपचंद्र गौतम तीनों उत्तर प्रदेश के शाहजानपुर जिले के पुहाया तहसील के मोहम्मदपुर निवासी को नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए कहा। इस पर उक्त सभी ने नाइट ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। इस पर फरियादी समारोह ने उनके साथ गाली गलौज की। इससे गुस्साए तीनों आरोपियों ने मिलकर समारोह की जमकर पिटाई कर दी। इसे पेश दिनेश कुमार ने उसके पास रखा चाकू निकाला और समारोह की छाती पर जोरदार प्रहार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। लोकमान्य नगर निवासी फरियादी विक्रांत श्री किशन प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भानवे की धारा 302, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि सभी ठेका पद्धति में मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य में कार्यरत हैं। आरोपी मेट्रो के केबल लाइन का काम करते हैं और लोकमान्य नगर में रहते हैं। समारोह अवधू हरिजन नावाचा 60 वर्षाचा इसम आहे, त्यांना त्याच्याचबरोबर काम करणाऱ्या दिनेश कुमार, सुशील कुमार आणि बजरंगी या तीन कामगारांनी मारलेला आहे। त्याच्यामध्ये दिनेश कुमारनी चाकूने मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झालेला आहे। हे सर्व मेट्रोचं काम करत होते, गांधीबाग येथे ते कामाला होते। गेल्या 2 वर्षापासून संजीवा नावाच्या कॉन्ट्रॅक्टकडे ते कामाला आहेत। रात्री सदरचे आरोपी आम्हाला जबलपूरला वाहनातून पळून जात असताना मिळालेले आहेत। त्यांची अटकेची कारवाई करून पुढील तपास करत आहोत। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।